Assalamu alaikum. Welcome to your own show, Bhoojo To Jeeto. Aapki host Aleena Haroon aaj hai Amanah Malla mein. Karne wale hain bahut sari baatein, bahut sari masti. Aapko dene wale hain Lahore News ki taraf se bahut sare inaam. Aaj ka program hone wala hai full of fun, full of masti. Koshish karungi ki aap jawab dein. Warna maine bhi hathiyar dal diye. Badi mehnat ki maine pichle dino ki aapko jawab aaye, aapko ki madad ki. Na कोई जवाब नहीं आया आप लोगों को. खैर आज भी करने वाली हूँ बड़े मज़े के सवाल. ठीक है तो आप लोग रेडी होकर बैठ जाएं, सवाल करेंगे आपसे. और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहें प्रोग्राम से रिलेटेड, या कुछ भी आप लोग चाहें हमसे कहना, क्योंकि प्रोग्राम आपका है, हम आपके लिए आते हैं, पब्लिक में आपके लिए करते हैं, तो आप कह सकते हैं. प्रोग्राम के शुरू में जो है वो मेरे पेज के लिंक्स चलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के. आई एम अलीना हारून सर्च कर सकते हैं आप. वहाँ पर कोई भी बात जो है वो आप हमें कह सकते हैं, पैगाम पहुँचा सकते हैं. तो आए लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम आपका? आमना. आमना क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ. आई लिव इन यूके. ओके. केम टू सी माय फैमिली हियर विद माय किड्स. ओके वेरी नाइस. चले जी, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. ओके मुझे बताओ, ऐसा वो कौन सा टाइम है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते? I mean, if I tell my personal experience or like, anything. I mean, when I'm in stress, I can't do anything. जब मैं बहुत ज़्यादा stress में और सब बहुत ज़्यादा उसमें होती हूँ तो मैं कुछ नहीं. क्या करती? सो जाती है, बैठ जाती है. Able to do anything. हाँ, मैं tension लेती हूँ या मैं stress में होती हूँ तो बस फिर मुझे होता है कि किसी से बात नहीं करूँ. और I need. Usually in stress, what would you like to do? Sleep और खाना खाती हो? क्या करती हो? कुछ लोग स्ट्रेस में चॉकलेट्स खाते हैं. Yeah, I start more eating. तो इसलिए फिर ये जवाब ना हो कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, खा रहे हो. तो फिर वो कौन सा वक्त है जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस स्ट्रेस में आप खा रहे हो? कोई एक टाइम है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो कौन सा टाइम है? When I'm sleeping. आप सो रहे हो? आप भी नहीं? आई थिंक ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं आप. फिर भी सोचे. चले क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? शेयर तो यही करूँगी कि आई मीन पाकिस्तान में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गई हैं और आई रियली लाइक इट. बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो गया, काफ़ी अच्छी थिंग्स हैं, मॉल्स हैं, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड इट्स रियली लाइक टू नाइस टू कम हियर. कितने देर बाद आया? आफ्टर वन ईयर. आई जस्ट केम एवरी ईयर, सो आफ्टर वन ईयर आई केम. हर साल डिफरेंस लगता है आपको? यह लाइक दिस मॉल, दिस मॉल आई केम फर्स्ट टाइम. ओके ठीक है. लाहौर की सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती? लाहौर की सबसे अच्छी जगह मुझे तो सभी जगह अच्छी हैं. खाने में क्या अच्छा लगा? खाने की तो मैं बहुत शौकीन हूँ, खाना तो मुझे बहुत पसंद है. सबसे अच्छा क्या लगा खाने में? सबसे अच्छा क्या लगा मुझे तो बेसिकली फास्ट फूड से मैं फेड अप हूँ बहुत ज़्यादा. मुझे अपने देसी खाने बहुत पसंद है. कढ़ाई? कढ़ाई पसंद है. पाया खाया? पाया खाया. और अभी मैं तवा चिकन खाने जा रही हूँ. मम्मी निहारी? निहारी, निहारी सब कुछ. जी नाइस. ये लें जी फिर लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़ जी. बड़ा मज़ा आया इनसे, बड़ी क्यूट सी थी ये और बड़ी मज़े की इन्होंने हमारे साथ बातें भी की. इन्होंने पाया खाया, अलग पाया, बट मटन पाया, समटाइम लोग भरा वो मच का, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नाम आपका? सायरा नदीम. क्या करती हो? मैं सेल्स मार्केटिंग की जॉब करती हूँ. ओके चलो मुझे बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ख़वातीन नहीं जा सकती? वॉशरूम. क्यों नहीं जाती हो तुम? जेंट्स वॉशरूम में नहीं जा सकती. वो तो जेंट्स भी ख़वातीन वाले वॉशरूम में नहीं जा सकती. स्पेसिफिक जगह जहाँ ख़वातीन नहीं जा सकती? आई डोंट नो. मैं शेयर करना चाहती हूँ सॉन्ग. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. तेरी मोहब्बत से सांसें मेरी है, सदा रहना दिल में करीब होके. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. wow!
लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको देंगे। थैंक यू, वेलकम जी। हमने गाना सुना मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही वायरल सॉन्ग है, मुझे तो बड़ा पसंद है। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मरियम। आपका नाम? मीनार। कौन सी क्लास? वन। आप क्या करते हो? मैं टीचिंग करती हूँ और साथ स्टडी भी कर रही हूँ। क्या पढ़ाती हो? जी क्या पढ़ाती हूँ? मैथ्स। चले मुझे बताएं वो कौन सा समंदर है जहाँ पर एक भी मछली नहीं है मगर वो समंदर है। रेड सी? नहीं। रेड सी कौन सा? अरेबियन सी। अरेबियन सी, रेड सी, दोनों मैंने अभी सुने हैं। चलो क्या सुना? क्या सुनाऊंगी मैं, ब्यूटी टिप शेयर करूंगी। हैंड वाइडनिंग के लिए ब्यूटी टिप है, हैंड वाइडनिंग के लिए आप योगर्ट ले लें, योगर्ट ले लें, लेमन ले लें और उसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करें। इसको अच्छी तरह पेस्ट बना के अपने हैंड्स पे लगाएं। हैंड्स वाइडनिंग के लिए बहुत अच्छी टिप है ये। आपने? मैंने एक पोएम सुना। चिड़िया की सालगिरह थी, जंगल वर को दावा दी थी, बतख बगला सारस मोर तीतर तैर मोर चकोर, हाथी चीता बंदर भालू मामू गेंडा लूमड़ खालू, सारे मेहमान बने थे सालगिरह की, जान बने थे खाने थे सब रंग बिरंगे, अच्छे अच्छे चंगे चंगे, खाने की बड़ा सजी थी, मानों को भूख लगी थी, सारे मेहमान भूखे बैठे राजा की राह देख रहे थे, जब पहुंचा जंगल का राजा खाने का नकारा बाजा, खाना खुलने की थी देर सारा खाना खा गया शेर। वाह, नाइस। ये किसने सिखाई है? बुक में थी। बुक में थी तो टीचर ने सिखाई है। हाँ जी। चलो गुड। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू। जी बच्ची ने बड़ी यूनिक सी पोएम सुनाई है, अच्छी पोएम थी, एटलीस्ट ट्विंकल ट्विंकल तो नहीं थी ना, थोड़ी डिफरेंट पोएम थी, अच्छी लगी। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हिना मका। क्या करती हो? हाउस वाइफ। चलो मुझे बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ पे कवारी लड़कियाँ नहीं जा सकती। कवारी लड़कियाँ नहीं जा सकती? नहीं। सोचो वो कौन सी जगह है जहाँ पे कवारी लड़कियाँ नहीं जा सकती। क्या सुनाएंगे? कुछ भी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या करती हो? हाउस वाइफ। कितने बच्चे हैं? दो। वो कहाँ? आ जाओ। क्या नाम है आपका? बेहम बकास। आपका नाम? लाइबा। लाइबा क्या उम्र है आपकी? 12 years। आपकी? 11। 11। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 16 years। और आपकी उम्र? 30। यस। यानी कि छोटी उम्र में शादी हुई होगी ना, माशाल्लाह। लग नहीं रहा था ना इतने बड़े बच्चे हैं आपके। आपका भी है कुछ सुनाना आप लोगों ने? लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। जी मज़ा आया इनसे बात की और लग नहीं रहा था कि इनके इतने बड़े बच्चे हैं, तो दैट्स व्हाई आई आस्क कि अगर इनके बच्चे तो सामने हैं किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मीरब। क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और साथ जॉब कर रही हूँ। चलो मुझे बताओ वो कौन सा समंदर है जिसमें एक भी मछली नहीं है। ब्लैक सी? मैं बीटी टी बता देती हूँ। सुबह उठ के गाजर का जूस में आप चुकंदर और गाजर का जूस निकाल के पीते हो रोज़ रूटीन में सुबह, ठीक है, तो उसके साथ आपकी स्किन पे ग्लो आता है, ठीक है, और लाइक स्किन फ्रेश हो जाती है। थैंक यू। कैसे बताया? मैं खुद इसको ट्राई भी कर रही हूँ साथ, और मेरी मतलब एक सिस्टर है बड़ी, उन्होंने मुझे बताया। जी चल लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। इन्होंने कहा आपको एक ब्यूटी टिप जो है वो बताई है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, ना भी पसंद आई हो तो ट्राई कर लीजिएगा। क्या जाता है आपका? किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुमेरा राजा। क्या करती हैं? स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा जी, नर्स है। चले मुझे बताएं कभी पेशेंट पे गुस्सा किया? कभी हो ही जाता है कुछ। क्यों? वो थोड़ा ज़रा
कुछ वो भी लोग कर जाते हैं, कुछ हमसे भी हो जाता है। चले जी, हमें तो नहीं करना चाहिए, वो वाले पेशेंट है। नहीं, हमने नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी हो ही जाता है। चले जी, कितने बच्चे आप? मेरे चार हैं, दो बेटियाँ दो बेटे। ओके, सबसे लाडला कौन है? बेटा है सेकंड नंबर वाला। वो क्यों लाडला? बस वैसे ही वो शुरू से ही जरा लाडला है। चले, सवाल करते हैं आपसे जी। मुझे बताएं, जिंदगी में लोग सबसे तेज सबसे क्विक फैसले कब लेते हैं? कब लेते हैं? जब मुश्किल में होते हैं। तब तो नहीं लिए जाते, आराम से सोच के लेते हैं। नहीं, बाज़ दफ़ा जल्दी भी लिए जाते हैं मुश्किल में। सबसे क्विक फैसले इंसान कब लेता है? मुश्किल में लेता होगा मैं डेफिनेटली। जो मुश्किल में होता है वो परेशान होता है, परेशान में जल्दी फैसले नहीं लिए जाते। आप जितने रिलैक्स होते हो तभी आप जल्दी फैसले लेते हो शायद। क्या सुनाएंगे? एक रेसिपी है गला ख़राब होने के लिए। अगर जैसे अब सर्दियाँ, इस तरह से ये अदरक पानी बॉईल करके उसमें अदरक डालें और उसमें दालचीनी डाल के उसको अच्छी तरह से जोश दे के उसको अच्छे तरीके से चीनी डाल के फिर उसको पी लें, गले में काफ़ी आराम होगा। वाह, ये कहाँ से देखिए आप? ये मैंने खुद से तजर्बा किया था, देखा था। आपके आप तो नर्स हैं। नहीं, खुद से इसको प्रैक्टिकल किया इसका। किसी ने कुछ बताया होगा तो आपके जहन में? किसी ने बताया था अदरक का, लेकिन दालचीनी तो मैंने खुद से डाली थी। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू जी। इन्होंने बताया कि अगर आपका गला ख़राब हो जाए तो इनको आप क्या कर सकते हैं, ये बना के आप पी सकते हैं। पर मज़े की बात ये है, इनको सिर्फ अदरक का बताया गया, दालचीनी इन्होंने खुद ही डाल दी। अब आप भी बीच में कोई और चीज़ ऐड कर लीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत बिरयानी बन चुकी होगी। चलें किसी और से बात करते हैं। सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम। आपका? मेरा नाम इंसाल अर्जुन है। क्या करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके, फर्स्ट ईयर में। सामने देखो, आज मॉल में कैसे आना हुआ? आज शॉपिंग करनी थी तो इसलिए आई। क्या शॉपिंग करनी? शॉपिंग शूज़ लेने थे। ले लिए? नहीं लेने हैं अभी। चलो, मुझे बताओ इंग्लिश आती है? थोड़ी मतलब आती है। आती है। इंग्लिश में ई के बाद क्या? एफ। ई के बाद एफ आता है। ई के बाद एफ आता है। चलो, उर्दू आती है? अलिफ के बाद क्या? बे। उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? ना तुम्हें इंग्लिश आती है, ना तुम्हें उर्दू आती है। चलो, क्या सुनाओगे? गाना। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सौ बार करा, जे जावे तू मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। गाने गवा लो, उर्दू इंग्लिश नहीं आती है। चलो, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए जी। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, मगर ये भी नहीं पता कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है और उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है। आजकल के बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल से गानों और टीवी वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देते। खैर, हम किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? फजल। वलीद। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ। स्टडी? क्या रिलेशन है? रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है हमारी। मुबारक हो। लव के अरेंज? अरेंज ही हुई है, लव बना लेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह आ जाए। कितना टाइम हो गया? 23 नवंबर को ही है। इनकी कोई बड़ी अच्छी आदत बताओ। इनकी बड़ी अच्छी आदत यही कि हर गलती में मुझे ना मुझे माफ़ कर देती हैं दोबारा। नाराज? एक आदत जो आपको लगे थोड़ी अजीब हो? अजीब आदत नाराज बहुत ज़्यादा होती है। चल, इनकी बताएं। सारी अच्छी हैं। और अजीब? अजीब भी कोई भी नहीं है तकरीबन। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? 11,000, 1,111 रुपए को हम किस तरह लिखेंगे?
किन डिजिट्स में लिखेंगे? डिजिट्स बताओ। वन। बताओ कैसे, कितने वन होंगे? कितने वन होंगे? 11,000 ग्यारह रुपये को। 11,000 1111 रुपये को। कितने वन? फोर डिजिट्स में। कितने? फोर डिजिट में कितने वन? क्या क्या होगा? वन, चार दफ़ा वन, तकरीबन 8 टाइम्स वन आएगा। दोनों ने गलत जवाब दिया, क्या सुनाएंगे? सॉन्ग शेयर करेंगे। जाने मेरी है, मैं तेरा हाँ, हाँ जी तेरा, तू कर ना यकीन, मैनू प्यार है बस तेरे नाल, हाँ जी तेरे नाल, वख ना करी, तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजो कौन है मेरा है, देखा तेनू नित सुबह शाम वे, ताही खिल दाए मेरा चेहरा, हाय ओ मेरी जान, ना हो परेशान, बिना तेरे मेरा सर ना नहीं, वे मैया तेरी खैर, होवे चारों पैर, शाला होर कुछ मंगदा नहीं। बातें तेरी करते हुए थके सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुड़ जाती हैं, देखते देखते तुझे ये गलियाँ, तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए खुश रहो। जी बहुत प्यारे थे दोनों की, अभी अभी जो है वो मंगनी हुई है और अब इंशाल्लाह जल्दी शादी भी होगी, अल्लाह उनको खुश रखे। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।